हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट की रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज का ये वीडियो हमारे क्लास 10th स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, देखो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th साइंस है ना, क्लास 10th साइंस के 50 यानी कि पूरे बुक के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 50 बहुविकल्पीय प्रश्न साइंस के, ठीक है। अगर आपने ये 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लिया तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, और मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ समझाऊंगा, ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का, और सिर्फ एक वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। हमारा सीरीज चल रहा है हर एक सब्जेक्ट का, तो हिंदी का पढ़ा चुके हैं, अब हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो पहला में क्या है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है भाई, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो हमारा लौह चूर्ण है, लोहे का चूर्ण है, अगर हम उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl प्रवाहित करें या फिर उसका रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या फिर हमारा आयरन लवण एवं जल बनता है। तो हमारे सारे स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहां जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगा और आयरन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस बनाना उदाहरण है, मतलब जो हमारा कार्बन है, अगर आप कार्बन को वायु में यानी कि सी को प्लस ओ टू की अभिक्रिया कराओगे तो हमारा सीओ टू बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो दो चीजें जुड़ गई, मतलब दो चीजों का संयोजन हुआ और एक चीज बनी, यानी कि हमारा कार्बन और हमारा ऑक्सीजन जुड़ गई, अब बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है ये, सभी को पता होगा कि हमारा संयोजन है, विस्थापन है, द्वि विस्थापन वियोजन, भैया टूटता तो है नहीं, तो वियोजन होगा नहीं, विस्थापन हुआ नहीं है, मतलब यहां जुड़ा है तो इसका मतलब होता है संयोजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि वायु को, जो कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस आप लोग भैया अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फिर से हम लोग खुशी के साथ पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। खुशी कोई लड़की नहीं है, अपनी खुशी के साथ, मतलब आप खुश होकर तैयारी करो, हैप्पीनेस होनी चाहिए चेहरे पे, हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरा सैड तो दुनिया है, हम लोग खुशी के साथ पढ़ाई करेंगे, मतलब हैप्पी होकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है माय डियर स्टूडेंट कि अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू होती है, जो हमारा अम्लीय विलयन होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, यह तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप लोग हमारे इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो नहीं पता ना, पता है आप लोगों को, और आप लोग भैया लाइव में कमेंट भी कर रहे हो। बट देखो अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू कैसे पता करोगे, एक मैं एक स्केल समझा देता हूं। देखो एक हमारा 0 से 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, अगर 0 से 7 के बीच में है तो वो हमारा अम्लीय होगा, और 7 से अगर 14 के बीच में है तो वो हमारा क्षारीय होगा, ये हमेशा याद रखना। तो अगर हम ऑप्शन दें कि भैया 0 होता है तो कहोगे यस या नो, नो, ठीक है। 7 होता है क्या, 7 से कम या 7 से अधिक, अब बताओ, 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम, अगर यहां क्षारीय होता तो 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो अम्लीय विलयन भैया 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन 7 से अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसकी पीएच वैल्यू होती है, अब आप लोग बताओगे, ठीक है, कि जो अम्ल होता है ये क्या करता है,
और क्षार जो होता है ये क्या करता है, मतलब ये जो है, मतलब ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और अम्ल क्या होता है, हमारा नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखो इसमें लास्ट में ला आ गया ना, तो इसका मतलब ये नीला को लाल करेगा और क्षार जो है उसका उल्टा हो जाएगा। उसका उल्टा क्या होगा कि हमारा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो अगर ये हमारा, देखो अगर ये लाल से नीला कर दिया तो दिस इज बेस, यानी कि क्षार। अब ये क्षार है तो क्षार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, एक होता है, फोर होता है, फाइव होता है, टेन होता है। चलो बताओ, अब देखो वन तो होगा नहीं, फोर नहीं होगा, फाइव नहीं होगा, क्योंकि ये सेवन से कम है, और अगर सेवन से कम है तो वो हमारा क्या होता है, क्षार नहीं होता, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। अब इसका क्या होगा, दस होगा, यानी कि टेन होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा सेवन से अधिक है, और सेवन से अधिक जो होता है वो हमारा क्षार होता है। ठीक है, तो यहां हमारा क्षार ही तो करता है लाल से नीला, तो इसलिए हमारा क्षार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बस समझ जाओ, बोर्ड एग्जाम में जाओ, पेपर में दिखा दो सरवन लेक्चर की पावर, ताकि हमें भी लगे हमारे स्टूडेंट हैं पूरा बादशाह। ठीक है, तो मजा तब आएगा। देखो शुद्ध जल के पीएच मूल्य है, शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है। देखो जो हमारा उदासीन होता है उसके ना तो स्वाद होता है, ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना कड़वा होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमारा कितना होगा, जीरो, एक से, या फिर हमारा 14, तो वो होता है सेवन, क्योंकि सेवन जो होता है वो उदासीन होता है, और हमारा जो जल होता है वो उदासीन विलयन है। क्या है, एक उदासीन विलयन है। ठीक है, तो ये हमारा फाइव नंबर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है डियर स्टूडेंट, यहां आ जाओ। जो पेयजल है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, चैप्टर नंबर सेकंड का एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो हमारा पीने वाला जल है, अगर उसमें जीवाणु आ जाए तो उसको हम कैसे स्वच्छ करेंगे, ताकि हम उसे ड्रिंक कर सकें, ड्रिंक। ठीक है, तो ड्रिंक करना या कोको कोला पीना बात एक ही है। ठीक है, तो CaVCl2 या फिटक्री या फिर बेकिंग सोडा या धामन सोडा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो पीने वाला जल है, अगर हम उसको जीवाणु रहित करना है, जीवाणु को बाहर कर देना है और हमें स्वच्छ बन जाना है, तो वो हम लोग CaVCl2 का प्रयोग करेंगे, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सबसे पहले अणुसूत्र बता दो क्या है, नहीं बताना देख लेना। ठीक है, वैसे इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगर अणुसूत्र पता है तो नाम भी पता चल जाएगा। देखो उसका होता है Na2CO3×10H2O, क्या होता है देख लेना, Na2CO3। इसमें पानी की जो मात्रा होती है वो 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि धोने में पानी की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, तो वो हमारा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोडियम कार्बोनेट होगा ये क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, एंटीमनी क्या है, एंटीमनी क्वेश्चन नंबर एट। एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो माय डियर स्टूडेंट, एंटीमनी जब मैं आप लोगों को एक उपधातु का टॉपिक पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दिए थे, और उसमें मैंने एंटीमनी को भी दिया था। तो एंटीमनी दिस इज उपधातु, क्या है, उपधातु। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना बता रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तैयार कर लेना, आगे आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। निम्न में से कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, मतलब अम्ल है, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। FeZnCuMg। देखो एक मैंने आप लोगों को सक्रियता श्रेणी पढ़ाया था, और उसमें हाइड्रोजन बीच में था। ठीक है, हाइड्रोजन कहीं भी था ये याद रखना। तो ऊपर वाले जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले होंगे वो क्या है, नीचे वाले क्या है, जो नीचे वाले हैं वो गरीब हैं, पुअर हैं, पॉवर्टी हैं, और जो ऊपर वाले हैं वो रिच हैं। तो जो रिच है ना वो आराम से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, जो ऊपर वाले बंदे हैं, और जो नीचे वाले बंदे हैं वो डरते हैं, भाई हमसे अमीर हैं, पटक ना दें, दो झापड़ लगा दें। ठीक है, तो ये जो है ये भैया ये सब नहीं कर पाते। अब इसके नीचे क्या है वो आप लोग देखना, Ag है, Au है, Cu है, ऐसे दो तीन चार है, तो Cu जो है वो नहीं विस्थापित कर पाएगा। अब क्यों, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन के नीचे है, तो इसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से कम है। ठीक है, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नाइन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर टेन देख लो,
खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? देखो जो ऑप्शन नंबर ए है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो अब इसका क्या होगा? इसका होगा सी वाला ऑप्शन। क्या है? सी, ये वाला। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 10 का, कि जो हमारा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया सारे स्टूडेंट को। अब हम लोग प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहां क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि मैट में मुख्यता होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, जो हमारा मैट होता है, मैट में मुख्यता क्या चीज होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है FeS, Cu2S, Cu2S तथा FeS या Cu2S तथा Fe2S3। तो भैया जो हमारा मैट होता है ना, मैट में जो मुख्यता होती है वो क्या होती है? वो हमारा Cu2S तथा FeS, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही है, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को हम लोग समझना है और बोर्ड एग्जाम में आए तो छोड़कर नहीं आना है, ध्यान रखना, हमें एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन में परमाणु की संयोजकता होती है, भैया कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करोगे तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, तो 2 और 4, तो लास्ट कक्षक में हमारे 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट कक्षक में, देखो लास्ट कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी संयोजकता होती है, ठीक है, लेकिन अगर 4 से कम है तब, तो भैया ये लास्ट कक्षक में 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन में परमाणु की संयोजकता जो होती है वो 4 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? देखो इसमें लास्ट में अल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? छोटा औला अल, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? देखो यहां ये देखो लास्ट में अल जुड़ा हुआ है ना, अगर अल अल जुड़ा हो तो वो समझ जाना कि हमारा एल्डिहाइड समूह है, और एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड से CHO होता है, ठीक है, CHO, सिंगल बॉन्ड से CHO, ठीक है। तो ये हमारा कहां है भैया? CHO, ये तो यही है ना, ऑप्शन नंबर ए, सिंगल बॉन्ड से CHO, ये यही लिखा हुआ है, CHO सिंगल बॉन्ड से। अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर। एसीटोन, जो हमारा एसीटोन है जिसका फार्मूला होता है CH3CO CH3, का IUPAC नेम है एसीटोन, एसीटोन का IUPAC नेम है। देखो ये हमारा कीटोन समूह है और उसमें हमारे जो परमाणु सॉरी कार्बन की संख्या वो कितनी है? देखो 1 है, 2 है, 3 है और ओन लगा हुआ, यानी कि कीटोन समूह है। तो प्रोपेन में प्लस ओन जोड़ दो, प्लस ओन जोड़ दो, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा 3 कार्बन है, 3 कार्बन को मेथ, 1 कार्बन को एथ, दूसरे कार्बन को और थर्ड कार्बन को प्रोप कहा जाता है। अब प्रोपेन में आपने एन जोड़ दिया तो वो हमारा हो गया एसीटोन का क्रियात्मक समूह। सारे इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम का अगर आप लोग कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 15 है, एसिटिक अम्ल में हमारे कितने अम्लीय परमाणु होते हैं? जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है उसमें हमारे कितने अम्लीय परमाणु होते हैं? एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, अब सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूं CH3COOH। अब इसमें ये तो साथ में है और इसमें जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु पूछा, ये है हमारा अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, तो ओनली वन होता है एसिटिक अम्ल में, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है वो ओनली वन होती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग फिर से समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। हम लोगों ने 15 तक बहुत अच्छे से समझ लिया और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा प्यारे हो, क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हो तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथिल अल्कोहल, जिन्हें पीने के बाद चूहा भी शेर बन जाता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल जो आप अगर देसी भाषा में कहो तो जैसे हम लोग लाइक इज रम, देसी में जैसे क्या कहा जाता है, कुछ कहा जाता है बियर, ऐसे कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो इसका होता है फॉर्मूला क्या होता है वो समझो पहले, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। देखो एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये होता है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला।
तो इसमें भैया कार्बन कितने हैं, दो हैं, तो दो कार्बन को क्या कहा जाता है, मेथ एथ। तो पहले मेथ तो हटा दो भैया, प्रोप भी हटा दो, अब एथ में आ जाओ। देखो इसमें ऑल जोड़ा जाता है, ठीक है, एल्कोहल में ऑल जोड़ा जाता है, इसलिए एथेनॉल हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। पारुवैंत के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, यह क्रिया कहां होती है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में, तो कहां होता है ये कोशिका जो हमारा ये अभिक्रिया होती है ये माइटोकांड्रिया में होती है, ये जो क्रिया होती है ये जो हमारा एक रिएक्शन टाइप का होता है, ठीक है, वो हमारा कहां होता है, माइटोकांड्रिया में, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग हमसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो सर आप पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाइए। अरे भाई हमें देखो है? हम कितना पढ़ा दे, मतलब अपने ऊपर इतना प्रेशर अगर ले लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से टीचर्स भी दिए हैं, पढ़ाई करा रहे हैं आप लोगों को, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ। जब क्लासेस नहीं चलती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लाइट नहीं रहती, बारिश होती है तो नहीं चल पाती, वरना मैं क्लासेस डेली चलाता हूँ, ठीक है। 18 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, क्या आवश्यक है। तो हमारा देखो ये भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये भी, क्लोरोफिल भी, तो इसका मतलब है हमारा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी है, ठीक है, मतलब हमारा 18 का उपयुक्त सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, यकृत क्या स्रावित करता है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है भैया, क्या स्रावित करता है, लार जठरस, पित्तरस, अग्नाशय, रक्त, तो भैया पित्तरस स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है, पित्तरस। तो हमारा जो यकृत होता है वो हमारा पित्तरस स्रावित करता है, कौन सा रस, पित्तरस, ठीक है, नींबू का रस नहीं, पित्तरस। तो ये हमारा हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। 20, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, माय डियर स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा श्वसन में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, श्वसन में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हीमोग्लोबिन। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, तो लाइक करते रहो, करते रहो, जब तक ज्यादा लाइक ना हो जाए तब तक लाइक करो। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बोर्ड एग्जाम वाले से बता दो कि सरवन सर ने कहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम जब तक टॉपर नहीं बन जाएंगे तब तक हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अपने मम्मी पापा को इतना अमीर बनाना है ना कि लोग कहें, लोग सोचें क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है, जिंदगी हो तो वैसी, ठीक है, तो मेहनत आपको करना है, लाइफ ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। 21, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जो जाइलम है वो क्या करता है, जाइलम क्या करता है भैया, ये क्या है कि पेड़ पौधों को जासे, क्या होता है, जाइलम जासे जल मतलब प्रोवाइड करते हैं। अब एक नाम इसी में आता है फ्लोएम, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, तो भैया जो फ्लोएम अंकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को प्रोडक्ट करते हैं, और जो हमारे जाइलम अंटी होती हैं, जाइलम अंटी क्या करती हैं कि वो वाटर को प्रोसीड करते हैं, ठीक है, बस हो गया। तो ये हमारा जल का वहन करेंगे, जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा मजाक के साथ पढ़ाता हूं कि आप लोग ज्यादा डरो ना, सीरियस ना हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मजा आना चाहिए पढ़ाई में, जब तक आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा, तब तक आपको मजा नहीं आएगा, और आपको पढ़ाई में भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। आपको हमारे पढ़ाने पर इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हम आप लोगों को इंटरटेन भी करते रहते हैं, मजाक भी करते रहते हैं, और आप लोगों को मजा भी आता है, ठीक है, सीरियस नहीं होना है, लेकिन अगर मैं सीरियस हो गया ना तो समझ लो एक भी मजाक नहीं होगा। 22, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है, किस तंत्र का भाग है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वृक्क जो है वो हमारा पोषण से है, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो वृक्क भैया देखो, वृक्क कुछ इस टाइप का होता है, मैंने, चलो बना के देखते हैं, बनाना तो आता है मुझे, चलो इस साइड में देखो, ये क्या बन गया भाई, वृक्क बना है ये वृक्क है ना,
अच्छा होता है, ये जो फर्स्ट वृक है या सेकंड वृक है। अब वृक क्या है? उत्सर्जन, ये उत्सर्जन तंत्र है तो उसी से तो संबंधित है। तो वृक जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है, मतलब उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है वृक। अगला क्वेश्चन 23, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए उपयोग में से सभी। तो ये सोचने के लिए भी होता है भैया, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब है उपयोग सभी, हमारा उपयोग सभी ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाओ 44, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा जो है वो पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन, सॉरी एस्ट्रोजन है या साइटोकाइनिन? तो ये सब हमारे मनुष्यों में पाई जाती है, इंसुलिन हुआ, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। बट ये साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब भैया होते हैं पादप पेड़ पौधे वाले हार्मोन, ठीक है। ये पेड़ पौधों को प्रोडक्ट करते हैं और ये सब हम लोगों को भैया बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ जाओ, तो ये साइटोकाइनिन, ये क्या है, ये एक पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 25, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? सारा क्वेश्चन समझ लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब ऑब्जेक्टिव हैं। तो वो हमारा एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। सी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, एस्ट्रोजन कहलाता है, ठीक है। जो मादा लिंग हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। तो 25 तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। इंसुलिन भैया कहां से स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है कहां से? जैसे आपका ये है बॉडी, मसल्स नहीं है, बॉडी में मसल्स नहीं है, ठीक है। ये हड्डी है, हड्डी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये भैया इनके अंदर है ही नहीं लगता है इंसुलिन, ठीक है। तो ये इंसुलिन जो है अमाशय से, यकृत से, वृक्क से, अग्नाशय से। तो जो हमारा इंसुलिन होता है वो क्या होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। कहां से? अग्नाशय। देखो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अग्नाशय है, पित्तरस है, छोटी आंत, बड़ी आंत एंड बहुत सारी चीजें हैं, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग एंड मूत्राशय, बहुत सारी चीजें हैं। बट दिख बाहर से लगता है यार कितने अच्छे हैं यार बिल्कुल, बट अंदर से अगर देखो ये क्या यार, ये हम हैं, पता लगेगा नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि अलैंगिक मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जन्म भैया मुकुलन के द्वारा किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लैस्मेनिया में? तो जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है, वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। बी वाला ऑप्शन सही है बच्चा, ईस्ट में जो होता है वो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। जो हमारा मुकुलन की क्रिया होती है वो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है। 28, परागकण होता है भैया, परागकण जो होता है, देखो पुष्प, पुष्प भाई पुष्प हम बना नहीं पाएंगे, कुछ इसी टाइप से बनाना, बोर्ड एग्जाम में जगह है नहीं, ठीक है। तो ऐसे पुष्प होता है और परागकण, परागकण जो होता है, परागण जो होता है, परागकोष, परागकोष के अंदर परागकण होता है जो वर्तिकाग्र तक जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग परागण कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन की क्रिया, जिस टाइप से हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन होता है नर्मदा के निषेचन से, मिलने से, और हमारे जो युग्मज नए नए बेबी का जन्म होता है, वैसे इन लोगों में भी होता है। अगला देखो 29, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर हमारा डिम्बवाहिनी? देखो बच्चा ये क्या है कि ये वाला भैया कट कर देना, ठीक है। अंडाशय या गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डी वाला डिम्बवाहिनी, ठीक है, ये हटा देना क्योंकि यहां शुक्रवाहिका है। तो शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र का भाग है भैया, जो मेल होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और फीमेल में ये नहीं होता, फीमेल में ये नहीं होता, ठीक है। तो मेल में होता है शुक्रवाहिका, तो ये हटा देना और यही हमारा सही हो जाएगा। अगला है पुष्प में नर भाग कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पुष्प में जो नर भाग होता है उसे पुमंग कहा जाता है, जायांग या बीजांड या फिर अंडाशय? अंडाशय और बीजांड कहा नहीं जाता, जायांग भी नहीं, हमारा पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुमंग को हम लोग नर जनन और जायांग को हम लोग मादा जनन तंत्र कहते हैं। जायांग जो होता है मादा जनन तंत्र और पुमंग जो होता है वो नर जनन तंत्र होता है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मुकुलन पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मुकुलन होता है वो किसमें होता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेस्मिनिया में या इनमें से सभी? तो जो हमारा मुकुलन होता है वो तो ईस्ट में होता ही है, सेकंड हमारा हाइड्रा में भी होता है। मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा में भी होता है, ठीक है।
देखो जो हमारा मुकुलन की प्रक्रिया है वो हाइड्रा में भी होती है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ये भी सेम ही है, 31, 32। देखो अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया, उपयोग किया, अनुवांशिकता का जब प्रयोग किया था मेंडल जी ने तो किस पौधे का प्रयोग किया था? टमाटर का? नहीं ना। बैगन का प्रयोग किया था? नहीं। मटर का या सरसों का? तो देखो सरसों नहीं किया था, मटर का किया था। और मटर का वैज्ञानिक नाम भी होता है भैया पाइसम सटाइबम। क्या होता है? ऑब्जेक्ट में आता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइबम, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन जो है गोल बीज के प्रकट करता है, शुद्ध गोल बीज। अगर एक बात याद रखना, मैं आपको बता दूं, अगर शुद्ध का नाम आ जाए तो वो समझना ना भैया कैपिटल ही होना चाहिए, कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। लाइक एज कैपिटल का मतलब क्या है ये समझो, अगर कैपिटल टी है कैपिटल टी होना चाहिए, कैपिटल आर है कैपिटल आर होना चाहिए, कैपिटल कुछ भी है कैपिटल वाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो भी कैपिटल है उसको देखो, ये स्मॉल है, इसमें स्मॉल कैपिटल दोनों इसमें भी नहीं है। तो ये हमारा आर आर मतलब राउंड होता है, तो राउंड मतलब गोल ही हमें बताना है, तो कैपिटल आर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया 34, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है, जीन प्रारूप, भैया शुद्ध लंबा है ना, शुद्ध का नाम आ गया कैपिटल टी हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन कैपिटल टी, टी मतलब होता है टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा, ठीक है। ऐसा इस क्वेश्चन में आया था, शुद्ध गोल गोल गोल, आर मैंने क्या लगा था, क्योंकि इसका मतलब होता है राउंड, राउंड मतलब होता है गोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होता है। देखो पास रखने का मतलब होता है यदि एक दर्पण के निकट, देखो ये होता हमारा लास्ट वाला जो है, यहाँ पी और एफ के बीच में जो हमारा अवतल दर्पण में था वो हमारा सीधा बनना था, आभासी बनना था, और दर्पण के पीछे, तो वो हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। एक स्थिति है वही पूरा चांस बदल देती है, लास्ट वाला आभासी बन जाता है, सीधा बन जाता है, और नजदीक रखा जाता है तब, तो हमारा अवतल दर्पण होगा, याद रखना, बी वाला ऑप्शन सही है 35 का। 36 आ जाओ, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, हमेशा याद रखना फोकस दूरी की दोगुना होती है वक्रता त्रिज्या, क्योंकि इससे भी आप पता कर सकते हो कि यहां हमारा एफ होता है और यहां हमारा सी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये तो ये अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, ठीक है, ये दूरी अगर 10 है यहां से पी से तो ये हमेशा 20 होगा, इसकी दोगुनी होगी। कहने का मतलब है एफ बराबर आर बाई 2 होता है और आर जो होता है वो 2f होता है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर हो जाए वक्रता त्रिज्या, अगर फोकस अगर ये अगर मान लो वक्रता त्रिज्या हो जाए, फोकस दूरी पूछ ले तो उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की ट्राई कर रहा हूं, समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा। 37 है निर्वात में, 37 ना, देखो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल होगी। देखो हमारा 3×, इसको मैंने लगवाया है न्यूमेरिकल में, 3×10⁸ है तो अपवर्तनांक से भाग दे दो भैया 1.5 से, 1.5 टू बार जाएगा, दो बार, तो ये हमारा 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये हमारा हो गया डी वाला ऑप्शन सही है स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का 7 का है। 38 आ जाओ, -10 डायोप्टर क्षमता वाले जो हमारा लेंस की फोकस दूरी होगी, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, हमें सेंटीमीटर में आंसर बताना। देखो सेंटीमीटर है और मीटर है और फिर हमारा -10 सेंटीमीटर -10 मीटर क्या होगा, देखो सेंटीमीटर में बताना है तो 100/ F हो जाएगा, F हमारा देखो जो हमारा F बराबर जो हो जाएगा वो डायोप्टर D है तो 10 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो -10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। 39 है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, भैया मानव नेत्र के द्वारा अगर कोई भी वस्तु उसका स्पष्ट प्रतिबिंब जो हमारे आंख में बनता है वो कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर, तो वो याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि वो जो होता है वो रेटिना पर बनता है, कहां बनता है, रेटिना पर बनता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है माय डियर स्टूडेंट कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो
बनता है वो हमारा रेटिना पर बनता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, एक प्रिज्म होता है, सॉरी बना देते हैं, एक प्रिज्म होता है और यहां से ऐसे प्रकाश आती है और ऐसे ऐसे भैया विचलित हो जाती है 7 रंगों में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैंगनी रंग, हरे रंग, पीले रंग, लाल रंग? तो भैया बैंगनी रंग का जो होता है वो सबसे ज्यादा विचलन होता है। किस रंग का? बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन तक आपको सारा समझ में आ गया और अभी भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझना है, तो हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड अब हम लोग स्वागत करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन का और टक्कर होगी बराबर की, छोड़कर नहीं जाना है, लड़कर जाना है कि चंद्रमा से अगर हम देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से अगर आप आकाश को देखोगे तो कैसा दिखाई देता है भैया? बैंगनी रंग, लाल, नीला रंग, लाल, काला या फिर सफेद? तो अगर आप भैया चंद्रमा पे पहले जाओगे तब फिर आप देख लेना, कब जाओगे ये पता नहीं बट जाना है, ठीक है। बट आप लोग वहां से देखना कैसा दिखाई देता है। बट अगर मैं अपने बिलीफ से बताऊं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बताऊं, तो भैया काला दिखाई देता है। किस रंग का? काला दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आप वहां जाओगे देखोगे वो आदमी खड़ा है, वो चंदन खड़ा है, वो रमेश खड़ा है, वो श्रवण खड़े हैं, ऐसा नहीं है। काला दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा। देखो अगला है 42, स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगर भैया जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है उसके लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, हाइजेस्ट दूरी पूछें तो याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। हाइजेस्ट अगर स्वस्थ है तो बिल्कुल हेल्दी है हमारी तरह, तो देखो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, दूर बिंदु, ठीक है। और अगर नजदीक पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होता है स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी, 25 सेंटीमीटर। अगर हाईएस्ट दूरी तो अनंत है, ठीक है, लेकिन हमारा यहां न्यूनतम पूछा तो 25 हो जाएगा। 43, विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है वाट, किलोवाट या किलोवाट प्रति घंटा या किलोवाट घंटा, तो वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, डैश लगा रहेगा बीच में, ठीक है, किलोवाट घंटा। 44, किसी विद्युत बल्ब का जो अनुक्रमांक है वो 220 वोल्ट और 100 वाट है, ठीक है, जब इसमें 110 वोल्ट, ठीक है, कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रचलित की जाती है, तो इसके द्वारा जो उपयुक्त शक्ति होगा, भैया शक्ति का फार्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा, मैंने लगवा रखा है, 50 वाट आएगा। और अगर नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को लगवा दूंगा, फार्मूला बता दूंगा, ठीक है। अगला देखो भैया 45 नंबर क्वेश्चन, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक गतिमान आवेशित कण है तो वो क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं? अगर आप भैया गतिमान आवेशित कण है उस बेचारे को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, सी वाला ऑप्शन सही। 46, का कौन सा अंश चाहिए, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो माय स्टूडेंट 46 है, लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जा नहीं होता, या फिर हमारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है, तो वो याद रखना, बहुत अधिक बढ़ जाती है लघु पथन के कारण, जो हमारा परिपथ होता है उसमें जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगला भैया 27 आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावैग्नी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ये तो सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आपने 1 से 9 तक अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन परत है, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत या हाइड्रोजन परत, तो वो एक हमारा क्या है कि मतलब वो ओजोन परत है, ओजोन परत जिसमें छिद्र हो गया है, थोड़ा सा प्रावैग्नी किरण बहुत खतरनाक होता है, तो ये जो ओजोन परत होता है वो आने से रोकती है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला 48, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं?
घास गेहूं आम, घास बकरी मानो, बकरी गाय तथा हाथी, या घास मछली तथा बकरी। देखो यहाँ जो बकरी है वो घास खाती है और मानो बकरी को खाता है, तो ये एक आहार श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये ऐसे याद रखना। 48 के बाद 49 आ जाओ। पहले धारा वाले वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या यन गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, भैया यन गुना बढ़ाओगे, जैसे यन यन की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 5, 10 या 15 कुछ भी, तो अगर यन गुना बढ़ाओगे तो यन गुणे फेरों की संख्या कर लेना। ठीक है, मतलब यन गुना बढ़ जाएगा क्योंकि यन की वैल्यू निकल के आएगी लास्ट में। अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 50। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होता है, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा विद्युत धारा होता है उसका प्रवाह जो है चालक में, वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए क्लास 10 साइंस का। ठीक है, क्लास 10 साइंस का बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना है। ठीक है, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो और खूब एंजॉय करो। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ एंजॉय करो। तो ये आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो स्टूडेंट, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।